हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको समोसा बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी और बनाने में भी बहुत आसान है, आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने फीडबैक कमेंट मुझे जरूर दीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, उससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। समोसा बनाने के लिए, पंजाबी समोसा बोल सकते हैं, समोसा बनाने के लिए हमने ये एक बाउल कप से अगर नापेंगे तो 2 कप हमने मैदा लिया है। ये 6 से 7 आलू को बॉईल करके हमने मैश कर लिया है, रफली मैश किया है, कद्दूकस नहीं किया है हमने, क्योंकि समोसा में रफली ही अच्छा लगता है। ये कैबेज लिया है, इसको हमने बारीक कट कर लिया है। ये ऑयल लिया है, ये टेस्ट के अनुसार नमक, ये हमने आधी चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये अपने अनुसार कम ज्यादा आप ले सकते हैं। ये धनिया पाउडर लिया है, 1 बड़े चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। ये हमने धनिया पत्ता को बारीक कट करके रखा है। मटर लिया है, ये फ्रोजन मटर है, ये 1 पिंच हींग यूज करेंगे हम। और ये जीरा लिया है, आधी चम्मच जीरा है। ये काला नमक है, ये अजवाइन लिया है, अजवाइन भी आधा चम्मच लिया है। ये हल्दी पाउडर है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर। ये पुदीना है, ये इसको हमने बारीक कट कर लिया है, लेकिन पुदीना को जब तक हल्का सा आप क्रश नहीं करेंगे उतनी अच्छी फ्लेवर नहीं आती है, इसलिए काटने के बाद इसे थोड़ा सा क्रश करना जरूरी है। ये हमने 1 हरी मिर्च लिया है, इसको बारीक कट करके लिया है। ये भी ऑप्शनल है, अगर तीखा पसंद है तो आप उस हिसाब से यूज कीजिए। ये धनिया लिया है, खड़ा धनिया है, इसको हमने हल्का सा क्रश कर लिया है। और ये पानी है, इसको अब हम मैदे को बड़े बाउल में शिफ्ट करेंगे। इसमें नमक, टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। इसमें अजवाइन डालेंगे, ये हींग अभी हमने हींग डाला है 1 पिंच, और ये अजवाइन है। अजवाइन को हल्का सा क्रश करके इस तरह से डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। और थोड़ा सा हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ऐड करेंगे। और इन सबको हल्का सा मिक्स करने के बाद, ये हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहे तो इसके जगह पे घी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। और इन सब को डाल करके एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। सबको मिक्स करके डो तैयार करेंगे और रेस्ट करने के लिए 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये इतना कड़ा हमने आटा गूंद लिया है, देखिए ऐसे पंच करने के बाद, दबाने के बाद ये वापिस आ रहा है, आटा अच्छा कड़ा गूंद लिया हमने। अब इसको एक कपड़े से, गीला कपड़ा से इस तरह से हम ढक देंगे, ढक के इसको रेस्ट करने देंगे। तब तक हम फिलिंग तैयार करते हैं। इधर कढ़ाई गरम होने रख दिया है, हो गया। इसमें हमने 2 चम्मच ऑयल डाला है, ये जीरा डाले, धनिया, दोनों को अच्छे से क्रैकल करने देते हैं। अब भी इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हल्दी डालने से हरी मिर्च ज्यादा उड़ता नहीं है, हल्का सा। उसके बाद अभी इसमें हम कैबेज डाल देंगे, इसको जो हम बारीक कट करके रखे हैं, हल्का सा फ्राई करेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा कैबेज,
इसे हाई फ्लेम में नहीं करना है, मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे बहुत जल्दी बहुत आराम से। अब इसमें ये हल्दी डाल देंगे, फिर से ये धनिया पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से आप लाल मिर्च पाउडर यूज कीजिए। ऐसे समोसा काफी टेस्टी लगता है थोड़ा स्पाइसी हो तो। अब इसमें हम ये फ्रोजन मटर डालेंगे, इसे भी थोड़ा भून लेते हैं, हल्का सा भूनना है क्योंकि मटर फ्रोजन वाला मटर बहुत जल्दी पक जाता है, इसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। इसमें हम अभी इतनी सब्जी जितनी अभी कढ़ाई में सब्जी है उस हिसाब से हम अभी नमक ऐड करेंगे, उतना ही अभी हमने नमक ऐड किया है जितनी अभी हमारी कढ़ाई में सब्जियां है। आप चाहे तो थोड़ा इसमें गाजर क्रश करके भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, हमने यूज नहीं किया यहाँ पे गाजर का। ये भून गया मसाला, अब हम फिर से नमक ऐड करेंगे, जितना आलू है उस हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे, थोड़ा काला नमक ऐड करेंगे, आप चाहे तो चाट मसाला यहाँ यूज कर सकते हैं, चाट मसाला या आमचूर मसाला यूज कर सकते हैं, लेकिन समोसा में टेस्ट नहीं आता उतना अच्छा सा। अभी हमने आलू डाला है तो मैश करके हमने आलू को रखा है और इसे हम लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से आलू को भून लेंगे, ये मिक्स करना है और आलू को भून लेना है। ये अच्छे से भून गया काफी अच्छे से। अब इसमें हम धनिया पत्ता ऐड करेंगे, धनिया पत्ता बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इसमें, इसलिए हमने ज्यादा पत्ते को यूज किया है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा देख लीजिए, हमने कम यूज किया है। अभी हम इसमें ये पुदीने का पत्ता भी लिया है, इसको कट तो किया बारीक हमने, हल्का सा इस तरह से हाथ में रगड़ लेंगे ताकि ये अच्छे से क्रश हो जाए और फिर हम इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते को, इससे बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसे हम मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देते हैं और इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देते हैं, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर हम समोसा फिलिंग करेंगे, गरम गरम करेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। गैस हमने बंद कर दिया है, इस तरह से एक बाउल में इसे शिफ्ट कर लेते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देते हैं, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर बहुत ही अच्छा समोसा बन करके रेडी हो जाएगा। आलू ठंडा हो गया, ये मसाले इसकी रेसिपी भी हमने पिछले वीडियो में अपलोड किया हुआ है आलू मसाला का, आप देख सकते हैं उसमें। ये ठंडा हो गया, आटा भी रेस्ट करके हो गया, इसको अच्छे से हम मसल लेंगे और इधर हमने ऑयल भी गर्म होने रख दिया है, जितना देर में समोसा हम फिलिंग भर के तैयार करेंगे उतना देर में ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा हमारा, तब तक इधर आटे को अच्छे से मसल लेंगे, मसल के इसको इतने बड़े बड़े लोई में बड़े नींबू के साइज में हम तोड़ लेंगे, इस तरह से इतने बड़े साइज में इस तरह से तोड़ने के बाद इसको ढक करके रखेंगे और ये आटा सूखे नहीं इसके लिए ढकना बहुत जरूरी है और बेलना चालू करेंगे हम इस तरह से। ये हमने मैदे और पानी का एक घोल तैयार किया है जो कि स्टफिंग के बाद हम उसको सील करने के लिए पैक करने के लिए यूज करेंगे, इस तरह से हमने पेड़े बना लिए, इसमें डिप करेंगे, अगर आप बेल सकते हैं सूखा तो बेलिए, नहीं तो आप थोड़ा मैदा यूज कीजिए,
इस तरह से, और फिर इसको बेलिए। बहुत ही अच्छा समोसा बन करके तैयार होगा। हमने इतना बड़ा साइज का बेल लिया है, इसको बीच से हाफ कट करेंगे। कट करने के बाद आधा पोर्शन हम उठाएंगे इस तरह से, और आधे में ये जो हमने सलाद तैयार किया है मैदे और पानी का, इस तरह से आधे में हम लगाएंगे और इसको इस तरह से कोन के जैसा फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये पोर्शन चिपक गया। अब हम इसमें इस तरह से कोन में स्टफिंग लेंगे। स्टफिंग ज्यादा नहीं यूज करना है, इतना यूज किया और इसको इस तरह से चिपका लेंगे। ये पोर्शन, ये जो हमने चिपकाया वो, और इसका पीछे बैक साइड का सेंटर पहले पुश करके चिपका लेना है, और इस तरह से हम चिपका लेंगे। और ये देखिए बहुत ही सुंदर समोसा बनकर रेडी हो गया। एक और हम आपको बताती हूँ। ये हाफ लिया, इसमें आधे में हमने पानी लगाया, मैदे का घोल इस तरह से चिपका लिया। ये देखिए एक कॉर्नर पूरा अच्छे से इस तरह से चिपक गया। अब इसमें ये स्टफिंग को ऐड करेंगे। स्टफिंग उतना ही ऐड कीजिए, अगर ज्यादा ऐड करेंगे तो फिर ये फटने लगेगा समोसा। फिर हाफ पोर्शन में ये हमने जो मैदे और पानी का घोल तैयार किया, ऐसे सेंटर पहले चिपकाया हमने, फिर ऐसे ये चिपक गया। इसी तरह हम सारा समोसा बना करके रेडी कर लिया है। बना के बहुत ही अच्छे से इस तरह से हमने सारा समोसा बना लिया। अब हम इसको, ऑयल भी मेरा गर्म हो गया है, अब डीप फ्राई करना है। तो इसे हाई फ्लेम में नहीं फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम में करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से अच्छे से क्रिस्प नहीं होगा। हम उतना ही एक बार में समोसा डालेंगे जितना कि कढ़ाई में हमारा स्पेस है। इस तरह से डाल के, और इसे हम नॉर्मल, हाई नहीं, नॉर्मल फ्लेम पे ही इस तरह से समोसे को फ्राई कर लेंगे। पलट पलट कर इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये अच्छा सा कलर आ गया, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है। हमने इसे पलट पलट करके इसको क्रिस्प करने में और पलट के बनाने में मुझे 5 मिनट्स का टाइम लगा है। ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसे हमने मीडियम फ्लेम में ही फ्राई किया है, बहुत ही बढ़िया और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। टेस्टी तो है ही, और घर की बनी हुई है तो हाइजीनिक भी है। ये बहुत अच्छा, इस तरह से सारे समोसों को हम फ्राई कर लिया। ये बहुत ही बढ़िया बन करके रेडी हो गया है। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई कीजिए तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। अगर हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो ये समोसा अच्छा नहीं बनेगा। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये हमने तीखी चटनी और ये मीठी चटनी, दोनों की रेसिपी हमने शेयर किया हुआ है पहले। बहुत ही अच्छी और टेस्टी चटनी है, चटनी की रेसिपी अपलोड किया हुआ है, आप देखिए। बहुत ही गर्म और टेस्टी भी है ये। ये समोसा हमारा रेडी हो गया बन करके।